पठानकोट पुलिस ने प्राइवेट गाड़ियों पर लगे आर्मी पुलिस व प्रेस के स्टिकर्स उतारने के लिए विशेष मुहिम चलाई। ट्रैफिक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि आला अधिकारियों की ओर से हिदायतें दी गई हैं, इसीलिए जिन गाड़ियों पर स्टिकर्स लगे थे उन्हें उतारने के लिए कहा गया और दोबारा स्टिकर्स न लगाने की चेतावनी भी दी गई है। साढ़े मानजोग एस एस जी साहब के हदायतों मुताबिक जो हर पॉइंट के नाके लाए गए हैं, जेने भी कोई आर्मी या पुलिस या प्रेस इन सारे आप हदायत करते हैं भी अपनी गड्डी उत्ते चीज़ें ना लिखाओ, क्योंकि सर जो आउटलुक मिले उन्होंने मुताबिक आप कम कर रहे हैं। कई जने लिखा होता भी प्रेस लिखा या कहने लिखा था अपने पुलिस का अपना मुलाजम बेटा है उन भी अपने पुलिस लिखा, पर वो पुलिस का नहीं है, पर एक गलत काम है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितेश चौधरी एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे इन द ईयर 2009। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर उषा, आई एम अ डेंटल सर्जन एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला इन 2017। और हमने संदीपनी गुरुकुल ज्वाइन किया है एज ए आईआईटी जेईई एक्सपर्ट एंड नीट एक्सपर्ट। आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। So let's start the preparation journey from class 6 onwards in fun and easy way. ताकि जब बच्चा class 11th में आए तो वो competition से आगे ही रहे और उसकी preparation journey बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। Because always remember, well begun is half done. तो अब हर बच्चे का आसानी से इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा संदीपनी गुरुकुल। So start your journey with us at संदीपनी गुरुकुल now.